एक समय की बात है, एक दिन विनायक जी महाराज राजा के बाग में गए। उनसे गलती से एक फूल टूट गया। गजानन जी महाराज ने सोचा, अब तो इसके यहाँ काम करना पड़ेगा, ये ही इसका प्रायश्चित होगा। उन्होंने एक छोटे से बच्चे का रूप धर राजा के घर नौकरी कर ली। एक समय रानी जी सोच क्रिया से निर्वत होकर हाथ बानी से धोने लगी। विनायक जी महाराज ने देखा तो बानी गिरवा दी और हाथ रेत से धुलवा दिए। तो रानी गुस्सा हो गई और राजा से आकर बोली कि कैसा नौकर लाए हो जो हर काम में टांग अड़ाता है। राजा ने डांटा तो बालक बोला, अशुद्ध हाथ भी कभी बानी से धोते हैं क्या? बानी में तो लक्ष्मी जी का वास होता है। राजा बोला, बात तो सही है। एक दिन राजा जी बोले कि गजानंद रानी को पुष्कर का स्नान करवा ला। दोनों पुष्कर गए तो रानी लोटा लोटा नहाने लगी। गजानन जी ने हाथ पकड़कर रानी को डुबकी लगवा कर स्नान कराया। रानी ने महल आकर राजा से शिकायत करी कि बढ़िया गजानन लाए हो जो मुझे पुष्कर में डुबो देता। राजा ने उसे डांट लगाई तो गजानन बोला कि राजा जी, पुष्कर जाकर तो डुबकी लगानी चाहिए, लोटे लोटे नहाना था तो घर पर ही बहुत है। राजा बोला, बात तो सही है। अब राजा ने हवन करवाने की सोची। हवन में बैठने के समय गजानंद को भेजा कि तू रानी को बुला ला। गजानंद गया और देखा रानी ने काली व नीली साड़ी पहन रखी है। गजानन जी ने वस्त्र फाड़ दिए तो रानी रूठ गई और आई ही नहीं। राजा बुलाने आए तो रानी बोली कि गणेशा ने मेरे साथ भद्दा मजाक किया है। राजा ने फटकार लगाई और बोले, क्या कुबुद्धि करी तूने? तो गणेश बोला, राजा जी कभी काले और नीले कपड़े पहनकर हवन में नहीं बैठते, लाल चुनरी पहननी चाहिए, इसलिए मैंने फाड़ दिया। राजा ने विचार किया, बालक छोटा सा है पर होशियार है, हवन में बैठने लगे तो गणेश स्थापना में देरी हो गई। राजा ने कहा, गणेश जी बैठाओ। गणेशिया बोला, आंखें बंद करो। इतने में गजानन जी ने दर्शन दिए। ऊन उंधैला धून धुंधैला ओछी पिंड्या एननकारा और राजा के खूब अंधन लक्ष्मी के भंडार भर गए। राजा बोले कि हे गजानन जी महाराज, हमने इतने दिन आपसे काम करवाया, हमें इसका दोष लगेगा। गजानन जी बोले कि आप चिंता मत करो, मैं एक बार आपके बाग से गुजर रहा था तो मुझसे गलती से एक फूल टूट गया था, इसलिए मैंने इसका प्रायश्चित किया है। और राजा रानी को आशीर्वाद देकर गजानन जी महाराज अंतर्धान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने राजा रानी की मन्नत पूरी करी, उनके घर अन्न धन के भंडार भर दिए, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबके घर अन्न धन के भंडार भरे रखना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय हो।